लोग थर थर कांपते हैं। राम नवमी के जुलूस हमेशा डर के साये में निकलते हैं। ये देवी का दमन चक्र है कि घुसपैठिए आराम से मौज मस्ती से जीते हैं। और देशभक्तों, राम भक्तों, दुर्गा भक्तों, सरस्वती भक्तों को खतरे के साये में जीना पड़ता है, बम बंदूक के डर के बीच जीना पड़ता है। ये देवी का दमन चक्र है कि गुंडों को पूरी सुरक्षा मिलती है, जबकि अपनी ही बहन बेटियों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। ये देवी का दमन चक्र है कि सिंडिकेट फल फूल रहा है, लेकिन टीचरों को, कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए सरकार पैसा न होने का बहाना करती है। भाइयों बहनों, दाम और दमन के चक्र के बल पर देवी खुद को मजबूत करना चाहती है, लेकिन मुट्ठी भर सीटों से देवी दिल्ली नहीं पहुंचा जा सकता। देवी दिल्ली बहुत दूर है, और ये मैं कह रहा हूं ये दीदी को भी पता है, लेकिन दिल में कुछ और है। दीदी बताती नहीं है, लेकिन दिल में कुछ और है। दिल में क्या है मैं बता दूं? दीदी के दिल में क्या है बता दूं? बता दूं? आप मुझे बताइए। देखिए, असल में दिल्ली को बहाना है, यहां पर भतीजे को जमाना है। दिल्ली को बहाना है, भतीजे को जमाना है। दिल्ली को बहाना है, दिल्ली को और यहां पर भतीजे को जमाना है, यहां पर भतीजे को साथियों, ये बुआ और भतीजे का ये खेल पश्चिम बंगाल बराबर समझ चुका है। चीट फंड के नाम पर जिन गरीब परिवारों को जीवन खोना पड़ा है, उनके आंसुओं का जवाब इस बार जनता देने वाली है, बटन दबा करके देने वाली है। आप आश्वस्त रहिए, 23 मई के जनादेश के बाद स्पीड ब्रेकर दीदी चीट फंड के गौरव दंतों से जुड़े अपने नेताओं को, साथियों को, गुंडों को नहीं बचा पाएगी। भाइयों और बहनों, पश्चिम बंगाल की जनता ने जो ठान लिया है, उसे पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आपकी आकांक्षाएं हमारे लिए आदेश है, इस चौकीदार के लिए आदेश है, घुसपैठियों की पहचान के लिए
एनआरसी का काम असम में शुरू हो चुका है और पश्चिम बंगाल में भी होना तय है।